दोस्तों, पृथ्वी के लगभग 31% हिस्से को जंगल कवर करते हैं, और ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि इंसान के अस्तित्व के लिए पेड़ पौधे कितने जरूरी हैं। वैसे दुनिया में पेड़ पौधों की कई स्पीशीज पाई जाती हैं और हर एक की अपनी एक अलग खासियत होती है। कोई अपने फल के लिए जाना जाता है तो कोई अपने फूल के लिए, जबकि वहीं कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपने अनोखेपन के लिए जाने जाते हैं। आज की इस अपनी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही अनोखे पेड़ पौधों से मिलवाने वाला हूँ जो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तरह नजर आते हैं। इनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर आपकी भी आंखें धोखा खा जाएंगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जेली ईयर। दोस्तों, इस पौधे का नाम जितना अद्भुत है, यकीन मानिए ये पौधा उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। और अगर यकीन ना हो तो आप इसे खुद देख लीजिए। पेड़ों पर लटक रहे इंसानी कान जैसे दिखने वाली ये अजीब सी चीज असल में कोई इंसानी कान नहीं बल्कि एक तरह का फंगस है जो यूरोप के पेड़ों पर उगता है। कुछ लोग जहां इसे इंसानी कान वाला मशरूम कहते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे अरुकुलेरिया अरुकुला के नाम से भी जानते हैं जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। जेली ईयर सामान्य रूप से 3.5 इंच लंबा और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। ये अक्सर कान के आकार का होता है और कभी कभी कप के आकार का भी दिखाई देता है। इसकी ऊपरी सतह लाल भूरे रंग की होती है, जबकि कई बार इन्हें बैंगनी रंग का भी देखा गया है। ये बेहद ही चिकना होने के साथ साथ सिलवटों और झुर्रियों के साथ लहरदार होते हैं। जेली ईयर को सबसे ज्यादा गुलर के पेड़ों पर उगते हुए देखा गया है। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इस अजीब से दिखने वाले फंगस का इस्तेमाल 19वीं और 20वीं सदी में इलाज के लिए किया जाता था। गले में खराश, आंखों में दर्द और पीलिया जैसी बीमारी से राहत पाने के लिए लोग इसका उपयोग करते थे। इंडोनेशिया में इससे इलाज की शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी। जेली ईयर पूरे साल यूरोप में पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले चीन और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी खेती की गई थी और वहां से ये यूरोप में पहुंच गया, और आज के समय में ये जापान और चीन का एक पॉपुलर डिश है। स्वेडल्ड बेबीज। दोस्तों, दुनिया में 3,69,000 प्रजातियों के फूल खिलते हैं। जहाँ कुछ फूल अपनी खुशबू से लोगों को अपना दीवाना बना जाते हैं तो वहीं कुछ अपने रंग रूप की वजह से अधिक पसंद किए जाते हैं। लेकिन स्वेडल्ड बेबीज अपनी खुशबू और रंग रूप दोनों की वजह से काफी चर्चा में रहता है। कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला के आसपास पाए जाने वाले इस अद्भुत फूल को देखकर ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा फूल के अंदर कंबल में लिपटे हुए है। अगर रंग की बात करें तो ये अद्भुत फूल अक्सर क्रीमी रंग के या फिर पूरी तरह से सफेद होते हैं। अगर आप इन्हें टच करेंगे तो ये बिल्कुल कॉटन की तरह आपको मुलायम लगेंगे। ये फूल जिस पौधे पर उगता है वो पौधा 45 से 60 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि इसके फूल पौधे के आकार के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। इस फूल का साइंटिफिक नेम एंग्लुआ यूनिफ्लोरा है। ये फूल ट्यूलिप ऑर्चिड के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये फूल बेहद सुगंधित होते हैं और आमतौर पर वसंत के मौसम में खिलते हैं। हुकर्स लिप्स। दोस्तों, हुकर्स लिप को किसिंग लिप्स प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम साइकोट्रिया इलाटा है। ये दिसंबर से मार्च महीने के बीच साउथ अफ्रीका और पनामा, कोस्टारिका, कोलंबिया और इक्वाडोर के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इस पौधे पर लगने वाले फूल की पंखड़ियां वाइब्रेंट रेड कलर की होती हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि मानो किसी महिला के होठों पर लिपस्टिक लगाकर उसे जंगल में सजा दिया गया हो। वैसे अब जब ये आपको भा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे जीवों को भी ये काफी पसंद आएंगे। हुकर्स लिप्स का रंग और रूप बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वैसे इस फूल में एक खास तरह का केमिकल होता है जिससे गठिया, बांझपन और नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज किया जाता है, और कई लोग तो इसे पारंपरिक दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में अपने प्यार का इजहार करने के लिए लोग इस फूल का इस्तेमाल करते हैं। स्नैपड्रैगन सीड पॉड। दोस्तों, नेचर खूबसूरत होने के साथ साथ कितना भयावह हो सकता है ये दिखाता है ये पौधा। पहली नजर में इस पौधे को देखकर आप भी थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि स्नैपड्रैगन सीड पॉड छोटी भूरी इंसानी खोपड़ी की तरह नजर आता है, जिसमें आपको गैप के साथ आई सॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। ये असल में एक जंगली फूल है जो काफी जहरीला होता है। स्पेन और इटली में पाए जाने वाले इस फूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गर्मियों के अंत में जब फूलों की पंखड़ियां पूरी तरह से सूख जाती हैं तो ये एक ड्रैगन के मुंह के खुलने और बंद होने की तरह दिखाई देता है। पुराने समय में इस फूल को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं प्रचलित थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता ये थी कि इस स्नैपड्रैगन सीड पॉड प्लांट के घर में होने से घर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। गुआराना।
दोस्तों ग्वाराना एक साउथ अमेरिकन फल है जो घूरती हुई दो इंसानी आंखों की तरह नजर आता है। इसका साइंटिफिक नेम पोलिनिया कुपाना है। ये पकने के बाद बिल्कुल कॉफी बीन्स की तरह दिखने लगते हैं, और न सिर्फ ये कॉफी बीन्स की तरह दिखता है बल्कि इसमें कैफीन की भी मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल थकान कम करने और ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ग्वाराना में थियोफिलिन और थियोब्रोमाइन जैसे केमिकल भी पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन रिलीफ के तौर पर काम करते हैं। साथ ही यह मलेरिया जैसी बीमारी में भी काफी फायदेमंद साबित होते हैं। किडनी बीन्स। दोस्तों किडनी बीन्स का नाम उनके आकार की वजह से पड़ा है। ये साइज में भले ही छोटे होते हैं लेकिन ये दिखने में बिल्कुल ह्यूमन किडनी की तरह नजर आते हैं। वैसे भारत में हम सभी इसे राजमा के नाम से जानते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों का फेवरेट फूड है। वैसे हमारे इंडिया में लोग इसे फायदे से ज्यादा टेस्ट के लिए खाना पसंद करते हैं, जबकि किडनी बीन्स हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये कई रंगों में आते हैं और सबके सब फायदेमंद होते हैं। इसमें मैग्नीशियम सफिशियंट मात्रा में मौजूद होती है जो हमारे हार्ट के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। डायबिटीज की समस्या में भी किडनी बीन्स काफी फायदेमंद माना जाता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है जो शुगर लेवल का बैलेंस बनाए रखता है। डॉल्स आईज। दोस्तों इस पौधे का रंग रूप बेहद ही अद्भुत है। डॉल की आईज की तरह दिखने वाले इस पौधे का साइंटिफिक नेम एक्टाई पैची पोड़ा है, जबकि लोगों के बीच ये व्हाइट बैनबेरी के नाम से फेमस है। ये पौधा हर जगह पर नहीं पनपता है, इसे केवल अमेरिका की चिकनी मिट्टी में ही उगते हुए देखा गया है, स्पेशली ईस्टर्न कैनेडा, मिड वेस्टर्न और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां ये केवल 50 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। क्यूट सा दिखने वाला ये पौधा भले ही पहली नजर में आपका मन मोह ले, लेकिन इससे आपको सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर कोई गलती से भी इसे खा लेता है तो उसकी मौत निश्चित है। पीचर प्लांट। दोस्तों पीचर प्लांट की कई सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन हम यहाँ ट्रॉपिकल पीचर प्लांट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल मटके की तरह नजर आता है। वैसे ये काफी हद तक ह्यूमन मेल के प्राइवेट पार्ट से भी मिलता जुलता है। इस अनोखे पौधे का साइंटिफिक नेम नेपेंथिस है। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। ये कार्निवोरस प्लांट है, यानी कि ये एक मांसाहारी पौधा है जो अपने भोजन के रूप में कीड़े मकोड़ों को खाता है और उनसे मिलने वाले प्रोटीन और नाइट्रोजन का इस्तेमाल खुद के विकास में करता है। इस पौधे के अंदर एक प्रकार का मकरंद यानी कि मीठा तरल पदार्थ निकलता है, जिससे कीट पतंग इसकी ओर आकर्षित होते हैं, और जैसे ही ये कीट पतंग इसके ऊपर बैठते हैं वो फिसल कर नीचे मटके की तली में चल जाते हैं, जहां एक खास तरह का डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जिसमें डूब कर ये कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो प्लांट्स जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की तरह दिखाई देते हैं। वैसे इनमें से कौन सा प्लांट आपको सबसे ज्यादा अनोखा लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।